पंजाब किंग्स को बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। मुंबई ने आसानी से 215 का लक्ष्य पूरा कर लिया। ये सारा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों, इसके पहले आप भी रोहित शर्मा को एक सफल कप्तान मानते हो तो वीडियो को लाइक करना। मुंबई इंडियंस ने IPL 2023 के 46वें मैच में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने मोहाली के मैदान पर खेले गए मैच में 215 रन का लक्ष्य रखा, जिससे मुंबई ने 18 ओवर 5 गेंदों में हासिल कर लिया। मुंबई ने इस जीत के साथ मौजूदा सीजन में पंजाब के हाथों मिली हार का बदला ले लिया। MI के लिए ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने तूफानी और शतकीय पारी खेली। दोस्तों अब मुंबई की 9 मैचों में यह 5वीं जीत है, वहीं पंजाब की 6ठी हार का मुंह देखना पड़ा। जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को पहले ही झटका लगा, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा पहले ओवर में 0 पर आउट हो गए। उन्हें ऋषि धवन ने पवेलियन भेजा। ईशान ने कैमरन ग्रीन के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। ग्रीन ने 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। वह 6ठे ओवर में नाथन एसिल के जाल में फंसे। यहां से ईशान और सूर्य कुमार ने मुंबई की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 3रे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी कर पंजाब को बैट फुट पर धकेल दिया। दोस्तों फिर सूर्या को 16वें ओवर में एसिल ने आउट किया। उन्होंने 31 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 66 रन जुटाए। ईशान को 16वें ओवर में अर्शदीप ने अपना शिकार बनाया। उन्होंने 41 गेंदों में 75 रन की पारी खेली। ईशान ने 7 चौके और 4 छक्के लगाया। टीम डेविड 20 गेंदों में नबाद 19 रन बनाया, 3 चौके भी लगाया और तिलक वर्मा 10 गेंदों में नबाद 26 रन की पारी खेली। उन्होंने 1 चौका और 3 छक्का लगाया और 5वें विकेट के लिए 38 रन जोड़कर मुंबई को जीत दिलाई। दोस्तों तिलक वर्मा ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ विजयी सिक्स मारा। इससे पहले पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 214 रन बनाए। टॉस गंवाने के बाद बैटिंग करने उतरी पंजाब टीम ने खराब शुरुआत की। प्रभसिमरन सिंह ने 7 गेंदों में 9 रन बनाकर दूसरे ओवर में अरशद खान का शिकार बन गए। अब दोस्तों शिखर धवन ने 2रे विकेट के लिए मैथ्यू सार्न के साथ 49 रन की पार्टनरशिप की। धवन को 8वें ओवर में पीयूष चावला ने स्टंप आउट कराया। उन्होंने 20 गेंदों में 3 चौके के जरिए 30 रन बनाए। साल 26 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। उन्हें चावला ने 12वें ओवर में बोल्ड किया। पंजाब के 95 रन पर 3 विकेट गिर गया था। इसके बाद दोस्तों लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा ने जबरदस्त मोर्चा संभाला। दोनों ने 4थे विकेट के लिए 119 रन की अटूट साझेदारी की। लिविंगस्टोन ने 42 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्के की दम पर 82 रन बनाए। वहीं जितेश ने 27 गेंदों पर 49 रन जुटाए। उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। अब दोस्तों अपना भी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिखना। जब तक मिलते हैं अगला वीडियो।